This question is from Saif al Hadi. How do you reconcile the Quranic narratives of debates between Prophet Ibrahim and Nimrud, Ibrahim and his father and the community, with your claim that Islam discourages debate culture? Hazrat Ibrahim ki jo baat hui thi, Nimrud se wo debate tha hi nahi. Wo debate tha hi nahi. आप तो गए थे उसको इस्लाम की दावत पेश करने के लिए, उसने एक क्वेश्चन किया, उसका आपने जवाब दे दिया, तो डिबेट थोड़ी कहा जाएगा उसको, उसका डिबेट नहीं है, बल्कि आपने डिबेट को अवॉइड किया. आप कुरान में पढ़िए कि हज़रत इब्राहिम ने दावत पेश की तो उसने क्या कहा कि हज़रत इब्राहिम ने कहा था कि खुदा जो है वो उसके हाथ में ज़िंदगी है, उसके हाथ में मौत है, उस खुदा को मानो जिसके हाथ में ज़िंदगी है उसके हाथ में मौत है, ये आपने फरमाया था. तो नमरूद ने क्या कहा, वो तो मेरे हाथ में भी है, जिसको चाहो मार लूँ, जिसको चाहो जिंदा रखूँ. तो डिबेटिंग पॉइंट आ गया था, अब हट गए वहाँ से, उस पर बोले नहीं आप. आपने कहा कि खुदा सूरज को निकालता है मशरिक से, तो मगरिब से निकालो. डिबेटिंग पॉइंट से तो हट गए वहाँ पर. वो इब्राहिम को जो वाक़ा आया है कुरान में वो दावत का वाक़ा, वो डिबेट का वाक़ा नहीं है, हरगिज़ डिबेट का वाक़ा नहीं है. ये बहुत बड़ी एक और गुमराही होगी कि उसको डिबेट बताएं आप. जी हाँ, दावत देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि दावत जो है वो चलती है खैरख्वाही पर, यानी वेलविशिंग पर. दाई वेलविशर होता है, यानी वो चाहता है कि वो आदमी इस्लाम को, सच्चाई को मान ले, उस आदमी के दिल में सच्चाई उतर जाए. तो ये है खैरख्वाही, वेल विशिंग. और डिबेट का क्या है, डिबेटर का क्या है, उसको नीचा दिखाना. दाई और डिबेटर में फ़र्क है कि वो उसको नीचा दिखाने के लिए करता है वो, और वो उसको सच्चाई की तरफ लाने के लिए, जन्नत में दाखिल करने के लिए करता है वो. तो इसका जो इंसेंटिव है वो खैरख्वाही है, उसका इंसेंटिव यह है कि उसको नीचा दिखाना, अपनी अपने प्राइड को एस्टेब्लिश करना. यानी दावत अपने प्राइड को एस्टेब्लिश करने के लिए होती ही नहीं, किसी पैगंबर ने ऐसा किया नहीं. और सारे डिबेटर कही करते हैं कि अपने प्राइड को एस्टेब्लिश करते, तभी तो तालियां बजती हैं वहाँ. ऑल द डिबेटर्स ट्राई टू एस्टेब्लिश मुस्लिम प्राइड. ये इस्लाम है ही नहीं, दावत है ही नहीं. इस्लाम जो है प्राइड का मामला नहीं है, इस्लाम जो है वो खुदा की हुक्म है, उसको हम फॉलो करना है. उसमें प्राइड की क्या बात है.